अब हम बात करेंगे मोशन ट्रैकिंग के बारे में, यानी सब्जेक्ट के साथ में यदि कोई कंटेंट को आप मोशन करना है तो किस प्रकार किया जाएगा, चाहे वो एंकर में मोड में हो या ट्रैक मोड में हो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं TDS 10 के फीचर्स के बारे में। मोशन ट्रैकिंग नया ऑप्शन दिया गया है EDS 10 में। EDS 9 में भी मोशन ट्रैकिंग था, लेकिन इतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता था। मोशन ट्रैकिंग दो प्रकार के आपको यहाँ पर दिया जाता है। लेआउटर में जब जाते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग जाते हैं, तो यहाँ पर दो होते हैं, एक एंकर मोड है और एक चेज मोड है। चलिए हम आपको सबसे बताते हैं कैसे इनको यूज़ किया जाएगा। बिन में जाते हैं, कुछ वीडियो ले आते हैं हम, फुटेज, स्टॉक फुटेज, ये हम यहाँ पर फुटेज ले आते हैं। कुछ फुटेज हमने डाउनलोड किया था ट्रैकिंग देखने के लिए, इसको ले लेते हैं। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ले लेते हैं। और कोई भी लिया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके पास, किसी एक को हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम कोई टाइटल या इमेज या किसी चीज़ को हम ओवरलैप करके यदि इसके साथ लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम टाइटल ले लेते हैं, सबसे पहले टाइटल ले लेते हैं, फिर देखते हैं। क्विक टाइटल में जाते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मंत्रा। मंत्रा को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से साइज वगैरह बड़ा करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा 100 दे देते हैं। अब यहाँ पर चेज मूव्स कैसे यूज करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे तो ये वाला फाइल आपको यहाँ मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर रख लेते हैं जहाँ पर हम इसको यूज करना है, ये है रहा है। ओके, थोड़ा सा इसको साइज करके साइड में ले लेते हैं, इसको इमेज के हिसाब से। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यूज करना चाहते हैं तो हम इसको ओके करके करते हैं। यहाँ पर हम लेआउटर में जाएंगे, हम चाहते हैं कि ये जो टेस्ट इसके साथ मूव करे, तो ट्रैकिंग में जाएंगे और यहाँ पर चेज मोड पे क्लिक करेंगे। चेज मोड पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इस आइकन में से वो सब्जेक्ट देंगे किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको लगाना है। जैसे हम यहाँ से लाते हैं इस जगह से, और इस चेहरे के ऊपर उसको हम टारगेट कर लेते हैं कि इस चेहरे के साथ में हमें यूज करना है। अब पूरा फ्रेम को ऊपर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो खाली एंकर पॉइंट को भी आप टारगेट कर सकते हैं, एंकर पॉइंट इस चेहरे के ऊपर। इस तरीके ये टारगेट हो गया। अब हम यहाँ पर इस फ्रेम से भी या एंकर पॉइंट किसी से टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको हमने टारगेट कर लिया, और यहीं से हम इसको यहाँ पर जब और लेआउटर में जाएंगे तो यहाँ ट्रैकिंग के एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये ट्रैक फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये प्रोसेस होता रहेगा। आप प्रोसेस हो गया, आप यहाँ पर देखिए, आप ये देखिए आपका टेस्ट देखिए। यहाँ पर जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, आपका टेस्ट के साथ ही मूव करता जा रहा है। बहुत ही सिंपल है ये काम करना। यदि आपको लगता है किसी और सब्जेक्ट के साथ में करना है तो इसको सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर रखिए, जाइए लेआउटर में जाइए, ट्रैकिंग जाइए, चेज मोड पर जाइए। चेज मोड पर जाने के बाद में यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट के साथ में अटैच करना चाह रहे हैं तो इसको हम प्रोसेस कर देंगे, और इसके साथ ये प्रोसेस होता रहेगा। अब देखिएगा ये किस तरीके से मूव कर रहा है, आगे ये नहीं कर पा रहा है, ये देखिए इस सब्जेक्ट के साथ में मूव होना शुरू हो जाएगा। आगे इसको ये इसका सर बदल गया ना, ये पूरा टर्न कर गया, इसलिए इसको चेज नहीं कर पाया। ये जितना चेज किया वहाँ पर ये देखिए इसके साथ में मोशन हो गया है। चेज वाला करना है तो इसमें इस घोड़े पे करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं। लेआउटर, ट्रैकिंग, चेज, और यहाँ पर हम इसको ट्रैक कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, ये प्रोसेस हो रहा है। आप इसको प्ले करके देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा ट्रैक कर लिया इसको। तो ये हो गए ट्रैकिंग की बात। अब हम करते हैं एंकर वाले में क्या करता है। एंकर वाले में बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सब्जेक्ट मान लेते हैं, जैसे हमने इसको सब्जेक्ट मान लिया, ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये हम इस आँख को एंकर का सर मान लेते हैं या सब्जेक्ट मान लेते हैं। ये आँख देखो सेंट्रल पॉइंट से हट रही है,
ये सेंटर पॉइंट में है, फिर ये मूवमेंट में जा रही है, देखिए आगे की तरफ ये आगे मूव हो रहा, और ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर से हट गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये आँख सब्जेक्ट सेंटर में ही रहे। यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट को मानते हैं किस तरीके से एंकर पॉइंट काम करता है। लेआउट में जाइए, ट्रैकिंग जाइए, यहाँ एंकर मोड में जाएंगे और यहाँ पर वो सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिए जो सब्जेक्ट आपको टारगेट करना है, और उसके बाद इसे यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप मूव करेगा इसको ये पूरे पाथ को रीड करेगा और की फ्रेमिंग कर लेगा। अब क्या करेगा देखिए, आपका ऊपर का ये आँख मूवमेंट नहीं करेगा, पूरा फ्रेम मूव करेगा लेकिन आँख वहीं रुकी रहेगी। ये एंकर मोड का काम है। इसका ओरिजिनल इमेज आपको दिखाता हूँ मैं, ये था इसका ओरिजिनल। यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका पूरा आई का मूवमेंट हो रहा था देखिए पूरे फ्रेम में, और यहाँ पर आपकी आँख का मूवमेंट नहीं हो रहा, पूरा फ्रेम मूव हो रहा है लेकिन आँख वहीं रुकी हुई है, आँख मूवमेंट में नहीं आएगी, पूरा फ्रेम चला जाएगा। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, यदि हम इसको थोड़ा सा, अभी आपको केवल ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है इसलिए आपको पता चल रहा है, लेकिन जब प्ले करेंगे तो आपको इमेज नहीं मूव करेगी, इमेज वहीं पर रुकी रहेगी। तो यहाँ इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो फिल्टर में एक ट्रांसफॉर्म एक फिल्टर दिया गया है, इसको आप ड्रैग करिए और अब जो आपको काम करना है ना वीडियो इसमें ट्रांसफॉर्म से कर लीजिए। जैसे यहाँ गए, अब इसको हम क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा लेफ्ट से, थोड़ा सा राइट से, थोड़ा सा टॉप से और थोड़ा सा बॉटम से, ठीक है। आप इसमें चाहें तो आप एक बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसको फ्रेम के रूप में फिट करने के लिए। अब आप इसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कोई भी मूवमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए आप ध्यान से, आपका आई मूवमेंट कहीं पर आपके फ्रेम में कोई जर्क नहीं आएगा। ऐसा तब होता है जब आप कैमरा शूट करते हैं और आप कभी कैमरा सेक हो जाए तो उसको फिक्स करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी ऑप्शन है, जिसको हम यूटिलाइज़ कर। ऐसे नॉर्मली देखो ये ऐसे हिला हुआ था, देखिए एक्चुअल आप जब देखेंगे तो ये इतना मूवमेंट था इसके फ्रेम में, ये दिख रहा, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देखिए कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो आपका फ्रेम का जो शेक है वो पूरा ख़त्म कर देगा ये। तो ये हुआ एंकर मोड। इसी तरीके से यदि कोई सब्जेक्ट आपके पास है, कोई प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है और उसको सेंट्रल में आपको रखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये चेज मोड्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ, दूसरी एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये है, यहाँ देखो बंदा इधर से आता है और ये सेंटर में आ जाता है, लेकिन यदि हम इस पर चेज मोड लगाते हैं एंकर मोड ट्रैकिंग का, यहाँ पर जाएं एंकर मोड और यहाँ पर सब्जेक्ट हमने चूज़ कर लिया जहाँ से ये फेस सही से आ रहा, हमने ये इसको हमने फिक्स कर लिया इस जगह पे, इसको हम ट्रैक पे लगा देते हैं, जहाँ जहाँ जितना ये मूव करेगा ये पूरा ट्रैक कर लेगा आपको। अब इसको आप यहीं से जहाँ से आपने लगाया प्ले करके देखिए, ये सब्जेक्ट आपका सेंटर से नहीं हटेगा, बाकी फ्रेम इधर उधर हट रहा है, देखिए ध्यान से, वो इतना ज़्यादा लोचा इसलिए आपको दिख रहा है। अब एक्चुअल में इसको हम ओके करेंगे, अब ध्यान से देखिए, जब हमने किया तो ये ऐसे इतना ज़्यादा मूवमेंट में था, लेकिन जब हम प्ले करेंगे ये स्लो हो जाए। इसके अलावा यदि हम इसमें अब क्रॉप लगा देते हैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से, ट्रांसफॉर्म गए और लोड ट्रांसफॉर्म जाने के बाद में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नीचा पोर्शन ये है, यहाँ पर हम क्या करते हैं क्रॉप ले लेते हैं, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा, और इधर से भी हमने ये फ्रेम में आपने बना दिया। अब इसको फ्रेम बनाने के बाद में ये बॉर्डर वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, ड्राफ्ट शेड वगैरह जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। हम यहाँ कलर यूज़ कर ले थोड़ा सा, क्योंकि आपको दिखाई पड़े कि हमने क्या किया, ऐसा किया और ओके कर दीजिए। अब आप इसको प्ले करके देखिएगा, देखिए अब आपको ये सेंटर में ही सब्जेक्ट दिखेगा, बाकी शेकिंग आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, ये फ्रेम सेट हो जाएगा। तो ये हुआ चेजिंग मोड, ट्रैकिंग मोड। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं हमारे चैनल मंत्रा एडकॉम पे। यदि आपको ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बेल आइकन हिट करने से हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उन लोगों के लिए शेयर कीजिए जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो तक के लिए रामा की राम राम।